छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ 8 सीता की खोज। इस पाठ में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण शबरी को आश्रम में मिलने के लिए जाते हैं। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हो जाती है, उनका स्वागत करती है और वह श्रीराम और लक्ष्मण को खाने को मीठे फल देती है तथा उसने उनको रहने के लिए जगह भी दी थी। राम ने फिर सीता के संबंध में शबरी से पूछा तो उसने बताया था कि सुग्रीव से राम मित्रता करे क्योंकि सुग्रीव के पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं जो सीता की खोज में सहायता करेंगे। इसीलिए श्री राम और लक्ष्मण अगले ही दिन ऋषिमुख पर्वत पर जाना चाहते थे। तो अब हम पाठ 9 राम और सुग्रीव इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि सुग्रीव किस तरह से सीता की खोज में श्री राम की मदद यानी सहायता करता है। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वही रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी, कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव यानी कि ठहरने का स्थान ऋषिमुख पर्वत था क्योंकि सुग्रीव वही ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को यानी राम और लक्ष्मण को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी, कबंध और शबरी ने, और कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक यानी कि मदद करेंगे। दोनों राजकुमार यानी राम और लक्ष्मण शीघ्रता से यानी कि तुरंत ऋषिमुख पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे और बड़े भाई का नाम बाली था। सुग्रीव का मूल निवास यानी कि मूल स्थान ऋषिमुख पर्वत नहीं था तो किष्किंधा था। ऋषिमुख में वे निर्वासन यानी कि देश या राज्य से निकाला हुआ वह निर्वासन ऋषिमुख पर्वत पर अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे और सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटा हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। किष्किंधा के राजा जो वानर राज थे उनके दो पुत्र थे, सबसे पहला यानी ज्येष्ठ पुत्र बाली और दूसरा सुग्रीव, और इन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। लेकिन फिर बाद में राजकाज को लेकर किसी बात को लेकर मन मुटाव यानी कि मतभेद हुए और फिर झगड़ा हो गया, और उन दोनों में इतना झगड़ा गंभीर हुआ कि बाली जो ज्येष्ठ पुत्र था वानर राज का, वह सुग्रीव को मार डालने पर तक उतर आया। और इसी डर की वजह से सुग्रीव जो है वह किष्किंधा छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर आए थे अपने बड़े भाई यानी बाली से बचने के लिए। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा, इसलिए सुग्रीव किष्किंधा छोड़कर ऋषिमुख आए थे। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था, वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। जान बचाने के लिए सुग्रीव ने किष्किंधा राज्य छोड़ा और ऋषिमुख आए, लेकिन फिर भी ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव
का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस यानी कि हमेशा चौकन्ना रहता था। विश्वासपात्र जो भरोसे जो उनकी सेना थी वानर सेना सुग्रीव की, वह विश्वासपात्र वानर सेना निरंतर यानी कि लगातार पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था, उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे। सुग्रीव के विश्वास पत्र यानी कि भरोसेमंद जो वानर सेना थी वह हमेशा पहरा देती थी, साथ साथ सुग्रीव स्वयं यानी कि खुद भी पहरा देता था। और इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक ऋषभमुख पर ना आए, एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था और उसने दो युवकों को उधर आते देखा। तो उनको देखकर सुग्रीव को लगा कि यह अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे और मुझे मारने आ रहे होंगे। इसीलिए सुग्रीव ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, हमें ऋषभमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आधम का है, सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा। जैसे ही वो दो युवकों को आते हुए देखकर सुग्रीव डर गया और इसलिए उसने अपने साथियों को बुलाया और साथियों से वह कहने लगा कि हमें अब ऋषभमुख छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह स्थान अब हमारे रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आ पहुँचा है। और फिर उसने अपने साथियों से कहा कि मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है और उनके हाथों में धनुष है। फिर उसने कहा कि मैंने वो दो युवकों को यहाँ आते देखा है और उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है, बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। वो दो युवकों को देखकर सुग्रीव घबराया हुआ था लेकिन उसका जो एक साथी था प्रमुख साथी हनुमान वो इससे सहमत नहीं था। फिर उसने सुग्रीव से कहा कि मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन है क्योंकि बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। जैसे ही सुग्रीव अपने साथियों से कह रहा था कि यहाँ पर बाली के गुप्तचर आए हैं और इसीलिए अभी यह स्थान यानी कि ऋषभमुख हमें सुरक्षित नहीं लग रहा है तो यह स्थान अभी हमें छोड़ना चाहिए, हनुमान इससे सहमत नहीं था। इसलिए उसने सुग्रीव से कहा कि मैं देख लेता हूँ कि वो कौन है, जो दो युवक जो इस तरफ आ रहे मैं देखता हूँ कि वो कौन है। और हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। हनुमान का जो प्रमुख सेना यानी कि प्रमुख साथी था जो कि हनुमान, उस पर सुग्रीव का भरोसा था, इसलिए सुग्रीव ने हनुमान की बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे इसलिए वे दोनों पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने के लिए। वहाँ उन्होंने मुंह हाथ धो लिया, तभी भेष बदलकर हनुमान वहाँ पहुँच गए। अपना मूल रूप बदलकर हनुमान वहाँ पर पहुँच गए। शिष्टता से नम्रता से उन्होंने राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और पूछा कि आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं, आपका भेष मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हनुमान ने वो दोनों राजकुमारों से पूछा कि आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो, आपका भेष तो मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे तो राजकुमार जैसे लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं, राम ने विनम्रता से पूछा। राम ने हनुमान से कहा कि हम सुग्रीव से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता यानी मदद की ज़रूरत है, क्या आप सुग्रीव को जानते हैं,
राम ने नम्रता से हनुमान से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। जब वो राम श्री राम दोनों से बात कर रहे थे तभी हनुमान ने स्थिति भाप ली थी। उनको जानकारी मिल गई थी कि ये दोनों जो युवक हैं वह बाली के गुप्तचर नहीं है, इसीलिए हनुमान अपने मूल रूप में आ गए और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक, उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। जैसे ही श्री राम हनुमान को बताते हैं कि हम सुग्रीव से मिलने आ रहे हैं, सुग्रीव से मिलने के लिए सुग्रीव की मदद यानी कि सहायता की हमें ज़रूरत है, यह सुनकर हनुमान फिर अपने मूल रूप में आ जाते हैं और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक, और सुग्रीव ने ही आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। इस तरह से हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए कहता है कि वह सुग्रीव का सेवक है। तो बच्चों अब हम अगली कालांच में देखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव किस तरह से सहायता सीता की खोज में सहायता करता है या मदद करता है। मुझे आशा है कि इस कालांच में जो मैंने आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।